नमस्कार दोस्तों, मैं वासु पटेल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही खास टॉपिक पे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि किन टॉपिक पे मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो जी हाँ, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मेरे पास बहुत लोगों का सवाल आया था कि प्रैक्टिस कितने टाइम तक करें और प्रैक्टिस कब करें। तो भाई, अभ्यास के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि अभ्यास का कोई टाइम टेबल आप बांध के मत रखिए कि मुझे रोज सवेरे 7 बजे और शाम को 7 बजे प्रैक्टिस करना है। ये चीज आप टाइम टेबल बांध के मत रखिए, क्योंकि भाई हर एक इंसान की जिंदगी में बहुत सारा काम रहता है। और अगर आप 7 बजे प्रैक्टिस पे बैठे और 8 बजे अगर आपको कहीं जाना है तो आपका ध्यान प्रैक्टिस पे नहीं रहेगा, आपको 8 बजे जहां जाना है वहां रहेगा। तो ये चीज कभी मत करिए, टाइम टेबल बना के मत रखिए। आपको जितना टाइम प्रैक्टिस का टाइम मिल रहा है आप उतना ही टाइम बैठिए। संगीत से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको संगीत खुद खींच के अपने पास बुला लेता है, क्योंकि मैं संगीत से जुड़ा हुआ हूं तो मुझे खुद संगीत अपने पास खींच के बुला लेता है। यानी कि मैं टाइम टेबल बना के नहीं रखा हूं, मेरा दिल जब करता है कि चलिए संगीत पे बैठना चाहिए, अभ्यास पे बैठना चाहिए, उतना ही टाइम बैठो तो आपका फायदा होगा। लेकिन टाइम टेबल बांध के अगर आप रखोगे ना तो 12 घंटा भी अभ्यास करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि भाई बहुत सारा दिमाग पे भरा होता है एक दिन का। तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग पे घूमती रहेगी कि मैं प्रैक्टिस पे बैठा हूं, मैं कुछ काम कर लेता, ये वो दुनिया, बहुत सारा बात घूमता रहेगा। तो आप ऐसे ना करिए, जिस टाइम आपको फ्री फील होता है, जिस टाइम आपको लगता है कि चलो मुझे अभ्यास पे बैठना चाहिए, या आपके पास कोई टॉपिक होना चाहिए, आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए जिसको सीखने के लिए आप अभ्यास पे बैठ रहे हैं। देखिए, आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं है जिसको आप सीखना चाहते हैं और हारमोनियम पकड़ के बैठ गए तो उतना टाइम भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। एक मंजिल होना चाहिए। देखिए, मैंने जब बैंजो सीखना चालू किया, हारमोनियम सीखना चालू किया, तो मेरे पास एक मंजिल था। मंजिल ये था कि चलो सीखना है वो तो अलग हो गया, सीखना है वो बात अलग हो गया, लेकिन मुझे किस लिए सीखना है, मैं सीख के क्या करूंगा, ये चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर ध्यान में रखोगे कि आपको सीख कर क्या करना है और कितना टाइम में सीखना है, तो वो जो चीज हम पाना चाहते हैं उसके प्रति हमें लालच होना चाहिए। क्योंकि यार, दुनिया में हम जो भी चीज को चाहते हैं उसको पाने के लिए हम हर वो प्रयास करते हैं जिनसे हम वो चीज को पा सकें। तो यहां संगीत पे भी ऐसा ही है। मैं बेंजो बजाना इसलिए सीखना चाहता था ताकि मैं रामायण राम कथा जो होता है वहां पे मुझे बेंजो बजाने का बहुत ही इच्छा था। तो मैंने बेंजो इसीलिए सीखा था कि मैं रामायण पे जाऊं और बेंजो वहां पे बजाऊं, और मेरा इच्छा भगवान ने पूरा कर दिया, क्योंकि मैं उसी लगन के साथ और मेहनत के साथ उस लक्ष्य को पाने के लिए मैं प्रैक्टिस करता था कि मुझे रामायण में बजाना है। आप लक्ष्य बना के रखिए कि आपको कहां पे बजाना है और उस चीज को आप कितना जल्दी करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन टाइम टेबल बना के प्रैक्टिस मत करिए। ठीक है, ये तो हुई टाइम टेबल वाली बात। टाइम टेबल बना के आपको प्रैक्टिस करना ही नहीं है, आपका जितना टाइम मन लगता है उतना टाइम करिए। अगर 15 मिनट भी दिल से अगर आप अभ्यास करते हैं, मन से अभ्यास करते हैं, वो आपका ज्यादा फायदा लाएगा। लेकिन 12 घंटा आप बिना मन से अगर अभ्यास करेंगे तो कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, गांव में कई ऐसे सारे लोग होते हैं कि अगर हम सीख रहे हैं, शुरू में सीख रहे हैं, या हमारे मन से भी ये बात निकलता है, दिल से भी ये बात निकलता है, YouTube पे बहुत सारे वीडियोस डले होते हैं बेंजो वाला, हारमोनियम वाला, जिसको हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम तो इसके तरह नहीं बजा पाएंगे तो हमारे सीखने का क्या मतलब। तो ये चीज, ये सोच को आप अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल दीजिए। क्योंकि भाई आपको बताना चाहूंगा, मैं छत्तीसगढ़ से हूं और छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग हैं जानते होंगे, छत्तीसगढ़ में जो छॉलीवुड का हीरो है, अनुज शर्मा जी है, प्रकाश अवस्थी जी हैं, ये सारे हीरो जो हैं, मन कुरैशी जी हैं, इनका छत्तीसगढ़ में एक अलग ही महत्व है। लेकिन जब बॉलीवुड पे चले जाएंगे तो बॉलीवुड पे सलमान खान जी हैं, शाहरुख खान जी हैं, इनका एक वहां पे अलग महत्व है। तो छत्तीसगढ़ में इनको सम्मान मिलता है और शाहरुख खान सलमान खान इनको बॉलीवुड पे अलग सम्मान मिलता है। तो ऐसे सारे चीजों का अलग अलग जगह एक महत्व रहता है, यानी कि जहां पे मेरा जरूरत है वहां पे मैं चला जाऊं तो मुझे बहुत सम्मान मिलेगा, लेकिन मैं वहां पे जाऊं जहां मेरी जरूरत ही नहीं है तो वहां मुझे सम्मान नहीं मिलेगा। तो यहां पे मैं जो बात बताने वाला हूं वो ये बात है कि आप किसी के वीडियो को देखकर नर्वस मत होइए, कि आप ये कभी मत सोचिए कि मैं तो इससे अच्छा कभी प्ले कर ही नहीं पाऊंगा हारमोनियम कैसे बेंजो। तो ये चीज को सीखकर आप अपने ये सोच को लेकर आप अपने मन को कभी मत तोड़िए,
इन सबसे कोई महत्व नहीं रहता है। देखिए भाई, गांव में भी क्रिकेट प्लेयर होते हैं और नेशनल लेवल पे होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। अगर गांव का वो क्रिकेट प्लेयर सोचेगा कि मैं तो धोनी के जैसा खेल नहीं सकता तो मैं क्रिकेट खेलना बंद कर देता हूं, तो इससे उसका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर वो उसको देख कर सीखता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, तो वो एक दिन धोनी की तरह बन जाएगा। तो हमको ऐसे नहीं करना है, अपने मन को नहीं मारना है, हमको मेहनत करते रहना है। हम एक दिन उस शिखर तक पहुंचेंगे जहां तक हमको जाना है। आज का टॉपिक था प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस वही है भाई, प्रैक्टिस एक प्रकार का और होता है। देखिए, रोज प्रैक्टिस करना है ये महत्व नहीं रखता है। आप रोज प्रैक्टिस करोगे ये महत्व नहीं रखता है। प्रैक्टिस आप पूरे मन से पूरे लगन से कर रहे हैं ये महत्व रखता है। अगर हमारे पास हारमोनियम नहीं है तो भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे प्रैक्टिस होता है पता है? गाना को अगर आप गुनगुना रहे हो तो भी प्रैक्टिस होता है। देखिए, सरगम को अगर आप मुंह पे भी करते हो ना भाई तो भी प्रैक्टिस होता है। सारे गम पधा निशा जो है, आप अलंकार को मुंह पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास हारमोनियम नहीं है, आप कोई प्लेस में गए हो, बैठे हो खाली पीली, वहां पे अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस आप कहीं पे भी कर सकते हो, सरगम का प्रैक्टिस आप कहीं पे भी कर सकते हो। और ये जो गाना जो चलता रहता है इधर उधर जिसको हम गाते हैं, वो भी एक प्रकार का हमारा सीखने का प्रैक्टिस ही है। तो ये हारमोनियम के साथ में ही प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस नहीं होता है। प्रैक्टिस वो भी है कि हम गाना को याद करें, जो गाना हम निकालना चाहते हैं हारमोनियम पे उसको अच्छे से याद करिए, वो भी एक तरह का प्रैक्टिस है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो हारमोनियम है वो हमारा मुंह है, हम जैसे बोलेंगे वैसे हारमोनियम भी बोलेगा। तो हम अगर खुद को अगर बनाते हैं, खुद को अगर हम अच्छा बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं उस चीज के लिए जो चीज हम करना चाहते हैं, तो हारमोनियम पे उस गाने को निकालना, हारमोनियम पे बजाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले तो अपने आप को ही बनाना है ना। सरगम भी अगर हम करते हैं, अलंकार करते हैं, तो हम अपने मुंह से ही चालू करते हैं ना। हारमोनियम पे तो खैर हम मिलाते हैं कि हमारा आवाज मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम खुद को अगर अच्छा बना लेते हैं, हम कोई भी गाना अगर हम अच्छे से गा लेते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसके राग को महसूस करते हैं, उसके उतार चढ़ाव को हम महसूस करते हैं, अगर ये सारी चीज हम अपने अंदर कर लेते हैं तो हम एक अच्छा प्लेयर बन सकते हैं। ये तो होगा प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस हारमोनियम के साथ ही करेंगे, वो प्रैक्टिस नहीं होता है। प्रैक्टिस हम खुद अकेले भी कर सकते हैं, कहीं पे भी अगर हम खाली पीली बैठे हैं तो वहां पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। कितने टाइम तक प्रैक्टिस करें तो इसका कोई टाइम टेबल बना के मत रखिए। आपका जितना टाइम तक मन लगता है उतना टाइम ही करिए। अब आप सोचे हो कि मुझे एक घंटा प्रैक्टिस करना है, 15 मिनट के बाद आपको लगेगा कि यार कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे को तो एक घंटा प्रैक्टिस करना ही है, तो ये सोच मत रखिए। अगर आप 10 मिनट भी प्रैक्टिस करते हो, पूरे लगन के साथ करते हो, तो वो एक घंटा का फायदा आपको 10 मिनट में ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिए। और ध्यान में रखने वाली बातें तो मैंने बहुत सारी बता दी। लगन और एक लक्ष्य रहना चाहिए, ये चीज भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, और एक सीख से कई बात हमको जानने को मिलता है। जैसे कि आप YouTube पे सीख रहे हैं तो एक बात मैं ध्यान देना बता रहा हूं, ठीक है। अगर आप YouTube से सीख रहे हैं तो एकदम ध्यान से उनके बात को सुनिए, जो आपको सिखा रहे हैं उनके बात को एकदम ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक बात से हमको वहां पे 100 बात सीखने को मिलता है अगर हम वहां पे ध्यान लगाते हैं तो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, कॉर्ड पकड़ते हैं, जो हम कॉर्ड पकड़ते हैं वो होता है सा ग और प, ठीक है। सा ग प का हम कॉर्ड पकड़ते हैं। अब देखिए, ये हारमोनियम जो सीखना चाहते हैं, कॉर्ड वाला जब लेसन डलता है तो हारमोनियम सीखने वाले हैं वो लोग तो चलिए सीख जाते हैं, सुन लेते हैं उनके बातों को। लेकिन जो बैंजो सीखने वाले प्लेयर हैं, उनको जब बताया जाता है कि कॉर्ड कैसे लगाएं, क्यों लगाएं, किस तरह से लगाएं, कहां पे लगाया जाता है, तो जो बैंजो बजाने वाले प्लेयर रहते हैं वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ध्यान देना चाहिए। क्यों ध्यान देना चाहिए पता है? बैंजो में जो झाला का तार दिया होता है वो कॉर्ड लगाने के लिए दिया होता है। तो अगर हम हारमोनियम पे अगर हम सीख जाएं, देखिए यहां पे ध्यान में मतलब दिमाग बस लगाना है ना, कॉर्ड पे सा ग प लगता है, तो बैंजो प्लेयर अगर इस बात को सुन लिया कि कॉर्ड सा ग प लगता है, अब बैंजो में क्या है, जो झाला का तार दिया है वो कॉर्ड लगाने के लिए दिया है, तो यही सा ग पे उसको ट्यून कर देना है सा ग प पे और हो गया कॉर्ड। और उसी चीज को सीखने के लिए आदमी कितना मेहनत करता रहता है, कितना मेहनत करता रहता है कि बेंजो को झाला को कैसे ट्यून करे, उसका क्या उपयोग है। तो भाई, बेंजो के झाला को कॉर्ड लगाने के लिए दिया होता है बीच बीच के। जैसे कि कॉर्ड क्यों लगाया जाता है, कॉर्ड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ठीक है, मैं बेंजो का जो झाला वाला लेसन है उसको अच्छे से आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्टकट बता देता हूं।
कॉर्ड गाना के भराव के लिए लगाया जाता है, गाना में मधुरता लाने के लिए। और बेंजो का कॉर्ड उसी लिए दिया जाता है कि उस पे भी गाना का मधुरता लग सके। तो कॉर्ड में सागा पा लगाते हैं, उसी सागा को झाला को ट्यून कर देना है। और जब हम गाना बजाते रहेंगे और बीच बीच में झाला को मारेंगे तो कॉर्ड लग जाएगा बेंजो पे। तो ये सारी चीजों को आपको खुद जानना होगा। कोई भी गुरुजी अगर कोई कोई वीडियो बना के डाले हैं, तो अगर आप बेंजो प्लेयर हैं तो भी हारमोनियम वाला लेसन आता है तो उसको आप देखिए, क्योंकि वहां से आपको कोई ना कोई फायदा हो सकता है। तो ऐसे सारे चीज, बहुत सारी बात है भाई, बात करूंगा तो बहुत हो जाएगा, लेकिन आपको यहां पे मैं एक ही चीज बताने वाला था कि प्रैक्टिस के लिए टाइम टेबल मत बनाइए। जितना टाइम आपका मन करता है उतना टाइम ही प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है और बेंजो बजाने, केसियो बजाने, हारमोनियम बजाने में, तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं उन सारी चीजों का आंसर आपको वीडियो बना के दूंगा। और अगर कोई भी शंका आपके मन में होगा, आप जो चीज नहीं सीख पा रहे उनको भी कमेंट करना, मैं उन पे वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।